प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। पहला कुरिन्थियों के पत्र पहला अध्याय पांच में आए थे कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। यहां पर एक वचन में लिखा है, तुम हर बात में धनी किए गए। वहां पर खास करके लिखा है वचन में और सारे ज्ञान में, सारे वचन में और सारे ज्ञान में धनी किए गए। हर बात में धनी किए गए, सारे वचन में और सारे ज्ञान में धनी किए गए। इसके मतलब सबसे अच्छा ज्ञान, सबसे अच्छा रिचनेस यानी कि धनी रिचनेस परमेश्वर का दृष्टि में वो है जो परमेश्वर का ज्ञान में धनी हो जाता है और परमेश्वर का सारे वचन में धनी हो जाते हैं। परमेश्वर के सारे ज्ञान में धनी हो जाते हैं और परमेश्वर के सारे वचन में धनी हो जाता है। अय्यूब के पुस्तक में, नीति वचन में, नया नियम में आकर भी पौलुस की कई प्रार्थनाओं में आप एक शब्द सुन सकता है, परमेश्वर का ज्ञान, द विस्डम ऑफ गॉड। यहां तक पवित्र आत्मा के नव वरदानों में शुरुआत विस्डम ऑफ गॉड है, परमेश्वर का ज्ञान है। पौलुस की हर प्रार्थना में ये शब्द आता है, परमेश्वर का ज्ञान में, ज्ञान ज्ञान में, वो शब्द बार बार आप देख सकता है, विस्डम ऑफ गॉड। अय्यूब का पुस्तक और खास करके नीति वचन, नीति वचन में सबसे ज्यादा बार वो शब्द इस्तेमाल किया है, विस्डम। आप ज्ञान का पीछे करो, ज्ञान पाने के लिए उसका पीछे जाओ, अपना समझ की सहारा मत ले लो, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न करो और परमेश्वर यहोवा को भय मानना, परमेश्वर का ज्ञान, नो उस ज्ञान का शुरू आरंभ होता है। तो ये ज्ञान के विषय में बहुत सारा बातें किया है। आपको परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना है, परमेश्वर की दृष्टि में सारे बातों में धनी होना है, तो आपको परमेश्वर के सारे वचन में धनी होना है और परमेश्वर के सारे ज्ञान में धनी होना है, तभी आप परमेश्वर की दृष्टि में धनी बन सकता है। मेरा प्रार्थना है कि आप यीशु मसीह का दृष्टि में, परमेश्वर सृष्टिकर्ता जिसके पास सब कुछ है, सारे संपत्ति का मालिक, उस परमेश्वर का दृष्टि में अगर आपको धनी होना है, अब सारे वचन में सारे ज्ञान में धनी हो जाए, धनी किया गया है, उसे आपको प्राप्त करना है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। God bless you, God be with you, Shalom।